करके शार्ट्स कीजिए और मैं अपनी नई वीडियो के साथ हाजिर हो चुकी हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी डिश बताने जा रही हूँ जो डिश का नाम सुनते आप लोग के मुंह में पानी आ जाएगा। वो डिश का नाम है वेजिटेबल सैंडविच। तो देखते हैं वेजिटेबल सैंडविच एकदम बेकरी स्टाइल कैसे बनाते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले एक पैन लेंगे जिसको हाई फ्लेम पर रखकर 2 टीस्पून तेल डालेंगे, 2 टीस्पून बटर डालेंगे। बटर डालने के बाद अब हम उसमें उसको मीडियम फ्लेम पर कर 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वो रेड चिली फ्लेक्स को बटर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। करने के बाद अब हम उसमें 1 टीस्पून ओरिगैनो फ्लेक्स डालेंगे। डालने के बाद उसे अच्छे से मिक्स करेंगे फिर से। उसे मिक्स करने के बाद अब हम उसमें 2 से 3 कटे हुए हरी मिर्च डालेंगे और 2 कटे हुई प्याज डालेंगे। प्याज डालने के बाद उसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। प्याज को पूरी ग्रेवी लगनी चाहिए। अब हम एक कटे हुए शिमला मिर्च लेंगे और 2 गाजर डाल के उसे मिक्स कर लेंगे। और हमारी जो ग्रेवी है वो ज़्यादा पकनी नहीं चाहिए वरना टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। और अब हम उसमें 1/2 किलो पत्ता गोभी डालेंगे। पत्ता गोभी डालने के बाद उसे अच्छे से मिक्स कीजिए। उसको हमारे जो ग्रेवी है अच्छे से टेस्ट आना चाहिए ना उसका, इसलिए अब हम उसमें 1/2 टीस्पून हल्दी डालेंगे, 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे और बॉईल किए हुए स्वीट कॉर्न्स डालेंगे। स्वीट कॉर्न डालने के बाद 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, धनिया थोड़ा सा धनिया और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम उसमें 1/2 टीस्पून काली मिर्च डालेंगे और मिक्स कर लीजिए। तो गाइस हमारा मिक्सचर रेडी हो चुका है। अब मैं एक एक ब्रेक में लगाते जाऊंगी। सबसे पहले मैं बटर लगाऊंगी क्योंकि मैंने पर्सनली टेस्ट किया है, बहुत डिलीशियस बनता है। मैं पहले बटर लगाती हूँ फिर मैं आपको मैं मिक्सचर डाल देती हूँ, ठीक है। तो गाइस मैंने पूरा डाल लिया है और मैं और एक ब्रेक को मैंने बटर लगा लिया है। अब मैं इसे मुझ कर रख दूंगी और मैं ऐसे ही सेम और एक पीस बनाऊंगी। मैंने दूसरा भी ऐसे बना लिया है। अब मैं टोस्टर ओपन करूंगी और मैं टोस्टर में बटर लगा दूंगी थोड़ा सा। मैंने ऐसे बटर लगा दिया है। अब मैं एक एक करके सैंडविच रखूंगी। तो हमने टोस्टर में रखा है, आप लोग इसे तवे पर यानी पैन पर और ओवन में भी रख सकते हैं। हमारे सैंडविचेस रेडी हो चुके हैं, अब हम इसे सर्व करेंगे। तो गाइस हमारे इसे सैंडविच रेडी हो चुके हैं। इन्हें देख कर ही मेरे मुंह में पानी आ जा रहा है। हमें चलिए टेस्ट करके बताते हैं कि कैसे बने हैं। माइंड ब्लोइंग गाइस, इतने यमी बने आप लोग सोच भी नहीं सकते। और आपने जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।